नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत के किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसी लशेदार रबड़ी। आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और आप इसे हर फेस्टिवल में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पैकेट वाले दूध से रबड़ी। रबड़ी नॉर्थ इंडिया की ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही कम सामान में बन जाती है और इससे बनाने में थोड़ी ही देर लगती है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। जब कभी आपका मीठा खाने का मन हो, या तो आपके घर में गेस्ट आने वाले हो, या तो आपका व्रत हो, तो आप ये रबड़ी बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं रबड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने भैंस का 1 लीटर दूध गर्म करके ले लिया है। आप चाहें तो गाय के दूध से भी रबड़ी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप चीनी ले ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम काट के ले लिए हैं। 2 इलायची ले ली है, आप इलायची के बदला इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। तो आइए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे, उसमें 1 लीटर जितना दूध डाल देंगे। अब दूध डाल देंगे जो हमने गर्म करके रखा था। अब रबड़ी बनाने के लिए दूध में 1 उबाल आने देंगे और दूध में जो मलाई निकलेगी उसे हम साइड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं दूध में 1 उबाल आ चुका है। अब जो इसमें मलाई निकल रही है उसे स्क्रैच करके साइड में करते जाएंगे। जब तक 1 लीटर दूध की आधी क्वांटिटी नहीं हो जाती तब तक इसकी दूध की मलाई को साइड करते जाएंगे। दूध को हमें 2-2 मिनट में नीचे से भी मिक्स करते जाना है ताकि हमारा दूध नीचे से चिपके नहीं और जले नहीं। तो देखते ही देखते दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे और इलायची डाल देंगे। चीनी यहाँ पे मैं 1/3 कप डाल रही हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इलायची भी डाल देंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे और गाढ़ा होने देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और हमारी लशेदार रबड़ी बनकर तैयार है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसे गरम गरम भी सर्व करके खा सकते हैं। तो मैंने रबड़ी को बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और आप इसे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें भी ये रबड़ी आप सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।